माइनक्राफ्ट में 6 तरह की बोट्स होती हैं, जो कि हम 6 अलग अलग तरह के वुड के साथ बनाते हैं। ओक बोट होती है, केशिया बोट है, ऑब्वियसली आपको पता है ये सब जितने भी लॉग्स हैं उनकी हम बोट बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने पता है अपनी माइनक्राफ्ट को खोला, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था मामा हजारों आइटम है इसमें, और मैंने बोट को नोटिस किया। अच्छा तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना बोट्स को कूल बनाया जाए, क्योंकि ना जाने भाई वही कई बोटें हैं, वही बोरिंग बोट्स हैं भाई, पानी के अंदर चलती हैं, कभी क्लच के लिए यूज कर लेते हैं, कभी किस लिए यूज कर लेते हैं। तो गाइस दिस इज माइनक्राफ्ट बट देयर आर कस्टम बोट्स। तो गाइस मैंने इन बोट्स के अंदर कस्टम पावर ऐड करी हुई है, तो ऑब्वियसली अगर आपको जाने की इन बोट्स के अंदर कौन सी कस्टम पावर है तो गाइस पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। लेकिन वीडियो के आगे पहले गाइस सब्सक्राइब कर जरूर दबाओ, बिकॉज़ वी आर सो क्लोज टू 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और गाइस 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर पे गिव अवे हो रहा है, और जल्द से जल्द पहुंचा दो भाई वहां पे। एंड आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 5, कैन वी डू इट, लेट्स सी। तो जी हां भाई, मेरे ऊपर से आपका स्वागत है, मेरे चैनल पर, तो मेरा नाम अजय। और गाइस यहां पे हमें सबसे पहले तो भाई इतना बड़ा विलेज है, और आते ही भाई मामा रैबिट का फुट मिल गया, और बिल्ली यहां पे आ रही थी, भाग गई भाई वो भी मेरी शक्ल को देख के। इधर देखो मामा मीटिंगें बिठाई हुई है, नहीं तुम क्या अंदर घुस रहे हो भाई, मेरी निगरानी करके। हैं भाई तू तो बहुत ही डीट निकला, अबे तेरे बाप को मार दिया मैंने, तू भी भागना जा यहां से, गजब बेइज्जती है। लॉल एनीवेज गाइस अभी इसके अंदर देखते हैं क्या। ओके आई गॉट ब्रेड, आई गॉट फ्लिंट एंड लॉयल्टी 3। अरे ये तो आते ही भाई गजब ही हो गया। एनीवेज तो अभी एक काम करते हैं, यहां पे गाइस और चीजों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सबसे पहले हमें बनानी है गाइस माइनिंग बोट। ओह माय गॉड, अरे भाई यहां पे कितना सारा डायमंड, ऑब्सिडियन, आयरन वगैरह। यार स्मिथी तू तो लाजवाब निकला भाई, यहां पे जो आधी आइटम्स तो भाई तूने मेरे को दे के रखी है। आई गॉट गाइस 5 डायमंड, यो 5 डायमंड कैसे हो सकते हैं यार इसके पास। तो अभी एक काम करते गाइस, ये लिए हमने आयरन की पिकैक्स, और अभी एक काम करते हैं इससे ना कॉबलस्टोन उठा लेते हैं, क्योंकि गाइस हमें इनको स्टोन में कन्वर्ट करना है, और उन स्टोन को स्मूथ स्टोन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो गाइस ऑब्वियसली ढेर सारी स्मेल्टिंग वगैरह चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हमें गाइस कोल वगैरह भी चाहिए। लेकिन छोड़ो भाई कोल वगैरह की चिंता नहीं करते, हम यहां से भाई लॉग्स उठाते हैं, चार कोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर तो भाई हो गया हमारा काम। तो गाइस चार कोल कैन डू द जॉब। और अभी एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले फर्नेस रखते हैं, और जब तक हम और चीजें ढूंढते हैं विलेज में, तब तक हम इन दोनों फर्नेस के अंदर गाइस ये लगा देते हैं। एंड लेट मी एक्चुअली क्विकली गेट अ चारकोल फर्स्ट। तो चलो भाई एक चारकोल तो हमें मिल गया, और यहां पे लगा देते हैं थोड़ा सा कॉबलस्टोन, और इधर भी लगा देते हैं थोड़ा सा कॉबलस्टोन। और अभी गाइस हमें घरों को ढूंढना है भाई, इस घर के अंदर देख लेते हैं क्या मैं इस घर के अंदर गया था। अरे हां मुझे नहीं 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 भाई मैं गलत था गाइस, इस घर के अंदर मैं आया ही नहीं अभी तक। यो यहां पे गाइस मेरे पास 7 डायमंड आ चुके हैं यार, मैं डायमंड की पिक तक बना सकता हूं। एनीवेज अभी एक काम करते हैं, यहां से हम थोड़ा सा स्टोन लेते हैं, देयर वी गो, आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्टोन, और इस स्टोन को भाई स्मेल्ट करते हैं स्मूथ स्टोन के अंदर। एंड आई डोंट नो गाइस यहां पे थोड़ा सा लैग वगैरह हो रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं गाइस क्यों हो रहा है। एनीवेज तो अभी एक काम करते हैं गाइस, यहां पे मुझे नहीं लगता और बड़ी बड़ी झोपड़ी है, क्योंकि गाइस मेरे को पता है कि ये छोटी छोटी झोपड़ियों के अंदर ही माल होता है। मुझे लग रहा है कि इस झोपड़पट्टी के अंदर हो सकता है, लेकिन मामा यहाँ पे बुकशेल्फ मेरे को दे रखी है, लेकिन बुकशेल्फ तो इधर भी पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली गाइस आई कैन गेट सम बुक्स इफ आई डू नीड देम इन द फ्यूचर। लेकिन अभी एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे आयरन गोलम को छोड़ो, ये अभी मेरे पीछे पड़ जाना है। लेकिन सबसे पहले चीज जो हमें बनानी है गाइस वो है एक माइनिंग बोट। तो गाइस इस माइनिंग बोट को बना के मैं लिटरली गाइस मेरे को माइनिंग करने की जरूरत नहीं है भाई, बोट ही मेरे लिए माइन करेगी। तो सबसे पहले तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल अपना बनाते हैं, और थोड़ी सी वुड वगैरह एक्स्ट्रा ले लेते हैं इन केस वी डू नीड इट। तो अभी मेरे को लग रहा है गाइस मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है, लिजिट रेडी हो चुका है। और गाइस ये रहा, अबे मामा स्मूथ सैंडस्टोन भाई दे देते यार तो क्या हो जाता। देयर वी गो, गॉट इट। और अभी गाइस यहां पे समय आ चुका है कि हम अपना क्राफ्टिंग टेबल बनाएं। ये बना अपना क्राफ्टिंग टेबल, ये गया अपना स्मूथ स्टोन, और इसके अंदर पता हमें क्या रखना है गाइस, आयरन की पिकैक्स रखनी है। एंड आई गॉट द अल्टीमेट माइनिंग बोर्ड गाइस, ये देखो यार माइनिंग बोर्ड के अंदर मैं बैठ गया। तो गाइस लिटरली मैं सब चीजें माइन कर सकता हूं यार। वेल ऑब्वियसली गाइस कॉबलस्टोन वगैरह ही माइन कर सकता हूं मैं, फालतू चीजें मैं माइन नहीं कर सकता यहाँ पे, कोल आयरन ये चीजें गाइस मैं माइन कर सकता हूँ। लेकिन दिस इज नॉट अ प्लेस टू एक्चुअली माइन समथिंग, लेकिन हाँ ये माइन वगैरह थोड़ा सा हो जाता है। एनीवेज तो अभी एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी माइनिंग की बोट, और अभी एक काम करते हैं यहाँ पे गाइस चलते हैं बिल्कुल सीधा नीचे, क्योंकि गाइस हमें जाना है माइन के अंदर। एंड ऑल्सो आई नीड टू डू वन मोर थिंग एंड दैट इज टू गो टू द नेदर। तो गाइस एक काम करते हैं यहाँ पे एक केव ढूंढते हैं, केव के अंदर से गाइस कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे केव के अंदर गाइस बहुत ही सामान मेरे को मिलने का है, और गाइस केव के अंदर मेरे को डायमंड और ढूंढने हैं, मेरे को स्ट्रिंग्स लेनी है, मेरे को बो बनानी है, मेरे को वूल भी चाहिए, और गाइस वूल तो मेरे को यहीं कहीं से मिल जानी है। एक काम करते हैं यहां से वूल लेके ही निकलते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मेरे को शीप को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 4 वूल चाहिए।
ओके आई गॉट वन वूल, देयर वी गो गाइस, हमें चार वूल हमारी मिल चुकी हैं एंड वी आर गुड टू गो टू द केव नाउ। तो गाइस अभी मेरे को पता है एक चीज करनी है एंड दैट इज टू गेट अ फ्लिंट एंड स्टील। और यहां पे गाइस मैं माइनिंग करते करते क्यों नहीं जाता यार, ये देखो गाइस मैं अभी आपको दिखा दूंगी कैसे माइन कर सकता हूं। देयर वी गो, अरे भाई पूरा का पूरा चंक माइन कर देता हूं यार, इतना बड़ा चंक। एनीवेज तो अभी एक काम करते हैं, यहां से नीचे चलते हैं। और गाइस आगे देख रहे हो भाई मेरे पिकैक्स लगी हुई है, पिकैक्स दो दो, वो भी एक भी नहीं, दो दो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा गाइस मैं सब चीजों को माइन कर दूंगा माइन। अरे भाई यहाँ पे नीचे जाके मेरे को पता नहीं कहाँ पर ले जाएगी ये केव, लेकिन व्हाटएवर आई एम टचिंग आई एम लेजिट माइनिंग दैट चंक यार। ये देखो गाइस ये भी माइन हो गया और नीचे वाले भी माइन हो जाएंगे तुरंत ही। भाई अभी ये काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई माइन कर ले यार, यहाँ पे गाइस सफोकेशन मिल रही है हम अबे फालतू के अंदर। तो अभी ये काम करते गाइस, यहाँ पे मेरी इन्वेंटरी ना फुल हो चुकी है 64 कोबलस्टोन्स की एंड आई रियली डोंट वांट दैट। तो अभी गाइस थोड़ा सा गोल्ड ले लिया हमने, थोड़ा सा आयरन ले लिया हमने, थोड़ा सा कोल ले लिया हमने। भाई यहाँ पे रिसोर्सेज जो है हमारे काम जरूर आएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गाइस फ्री स्पेस के अंदर नेदर बनाते हैं। ओके नेदर हमारा बन चुका है, लेट्स गो टू द नेदर। और गाइस यहाँ से हमें बस खाली ब्लेज लेकर आना है और सोल सैंड लेकर आनी है। भाई आई होप सीधा फोर्ट्रेस के अंदर ही स्पॉन हो जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन भाई यहाँ से तो ओके। तो गाइस ये काम करते हैं, यहाँ से एंडर पल्स भी उठाएंगे। भाई माइनिंग बोर्ड के अंदर बैठ, अबे बैठना भाई, अरे बैठना यार, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। ये सीट वगैरह क्या लेके घूम रहा, अबे बैठना भाई इसके अंदर, अरे माइनिंग बोर्ड के अंदर बैठ भाई, बहुत सारी पावर है इसके अंदर। अरे यार इस बोर्ड के अंदर नहीं बैठना चाहता ये तो। एनीवेज तो अभी एक काम करते हैं गाइस, इसको ऐसे ही धरना पड़ेगा। आगे 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 जल के आगे आगे आगे, अरे इतने सारे एंडरमैन है यार, एक दो एंडरपल तो मैं निकाल के रहूंगा इनसे। चलो भाई जान की बाजी खेल के मैंने इसको तो मार लिया और यहाँ से एंडरपल ले ली मैंने, लेकिन अभी बस मेरे को ब्लेज लेने का है। और ब्लेज लेने से पहले गाइस अपनी इन्वेंटरी थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी यार, और यहाँ पे मेरे को अपना गियर अप करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऐसे ही काम नहीं चलेगा हमारा। ये बनी अपनी पिकैक्स और ये बनी अपनी सोर्ड, देयर वी गो डन। भाई यहाँ पे जब तक ये होता है तब तक सोल सैंड ले आते हैं, यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं तो होनी है सोल सैंड। और देयर वी गो गाइस, वो रही सोल सैंड यार। चलो भाई यहाँ पे आगे सोल सैंड उठाते हैं, बस खाली मुझे एक ही सोल सैंड चाहिए। देयर वी गो, आई गॉट इट एंड आई नाउ एम गोइंग बैक। तो गाइस वी आर बैक एंड देयर वी गो। तो गाइस कुछ और आयरन मिल गया मेरे को, अभी गाइस मेरी सबकी सब इन्वेंटरी हो चुकी है ऑर्गेनाइज एंड दीज आर ऑल दी आइटम्स दैट आई नीड राइट नाउ। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से कल्टी मारते हैं और निकलते हैं गाइस सीधा फोर्ट्रेस की ओर। ओके गाइस मेरे को लग रहा है कि ब्लेज का स्पॉनर इधर ही है एंड अरे भाई ये रहा ये रहा ये रहा। भाई ये मेरे को खूब चपेड़े मार रहे हैं भाई, मशालों वाली चपेड़े। एक ब्लेज रॉड तक कभी नहीं मिला यार मेरे को सही में। आगे 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 पकड़ में आगे, एक पकड़ में आगे भाई तेरी दासी की दासी। अरे 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 निकलो 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 निकलो, यो एपिक हो गया गाइस। चलो भाई मेरे को एक ही चाहिए था एंड आई गॉट इट। तो गाइस अभी इस एक उसका पता है मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मेक अनदर बोट एंड दैट इज गोइंग टू बी अ हॉवर बोट यार। सही में गजब बोट होने वाली है मेरी। ये गया और यहाँ पे गाइस हमें रखना है ये दो ब्लेज पाउडर और यहाँ पे मिडल के अंदर रखनी है एक सोल सैंड एंड आई गॉट दी हॉवर बोट। और गाइस ये हॉवर बोट पता है क्या करती है, आई कैन फ्लाई ऑन इट राइट लेफ्ट, जहां पर मर्जी जाऊं भाई। अभी तो गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फिलहाल। तो ये देखो गाइस, ये देखो लिटरली गाइस आई कैन गो अप और डाउन विद दिस यार। आई थिंक नाउ वी शुड गो बैक टू द ओवरवर्ल्ड। ओके आई एम बैक। और गाइस अभी मेरे को पता है क्या करना है, यहाँ पे एक और मैं बोट क्राफ्ट कर सकते हो। तो गाइस हॉवर बोट तो भाई मेरे को काम बहुत ही ज्यादा आएगी, लेकिन गाइस यहाँ पे एक और बोट है, एक्चुअली मैं दो और बोट्स हैं जो कि मैं अभी के अभी क्राफ्ट कर सकता हूँ। और इनके लिए गाइस मेरे पास लिटरली सबकी सब रिसोर्सेज पड़ी हुई है। तो अभी गाइस मैं आपको वो बोट्स दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोट है जो कि ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, डायमंड की बोट। भाई हम डायमंड की बोट कैसे मिस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बस मेरे पास कितने ज्यादा इफेक्ट होंगे आप जान नहीं सकते। तो गाइस आई गॉट रेजिस्टेंट रीजनरेशन फायर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे गाइस मैं लावा के अंदर डूब जाऊं, जो मर्जी हो जाए गाइस मेरे को कुछ नहीं होगा, आई कैन सर्वाइव। और गाइस ये बोर्ड तो भाई मेरे को एंड के अंदर काम आएगी, इसके अंदर बैठ के ही मैं ड्रैगन को मारने वाला हूं। लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे पास डायमंड तो जरूर है और यहाँ पे गाइस आयरन भी जरूर है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की चेस्ट प्लेट मैं एक बना देता हूँ। नाउ यू नो व्हाट आई एम गोना डू इज टू मेक अ बोर्ड जो कि गाइस मेरे को बिल्कुल सब चीजों को एन्चांट करके देगी एंड दैट इज ऑब्वियसली अ बुक शेल्फ। तो गाइस यहाँ पे ये बुक शेल्फ का यूज होता है। और गाइस ये देखो यार क्या खतरनाक बोट है यार। और देखो गाइस जैसे जैसे भाई मैं इसको यूज करूंगा वैसे वैसे मेरी आइटम जो है एन्चांट होती जाएंगी। अरे मामा ये भी इन्वेंटरी के अंदर रख लेता हूँ। देयर वी गो गाइस, मेंडिंग लग गया, इसके ऊपर एफिशिएंसी 4 लग गया, गाइस शार्पनेस 5, स्मार्ट 5, सब कुछ हो चुका है। इधर देखो भाई क्या क्या लग गया यार इसके ऊपर। अरे मामा इसको तो और भी अपग्रेड करना है यार, मुझे
थोन्स 3 तक लेकर जाना है। ओके तो गाइस ये मेरे को फाइनली सब चीजें मिल चुकी हैं, आई जस्ट नीड टू गेट द बूट। और गाइस ये देखो यार क्या मस्त चीज लगी है। अरे यार लेकिन सिल्टस लग गया ना यार इसके ऊपर, सिल्टस नहीं लगाना था यार। गाइस अभी फिलहाल तो भाई मैं ओपी बन चुका हूँ एंड आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू बोट्स, जो की गाइस मेरे को एंडर ड्रैगन को मारने के लिए काम है कि भाई बहुत ही जरूरी बोट्स है वो। तो गाइस वो बोट एक्चुअली में उसके लिए मेरे को वूल चाहिए एंड आई ऑल्सो हैव दिस एंडर पर्ल। और गाइस स्ट्रिंग चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। और गाइस स्ट्रिंग लाने के लिए मेरे को बिल्कुल नीचे केव के अंदर जाना पड़ेगा। आजा। ओके तो गाइस मेरे को स्पाइडर्स की स्ट्रिंग्स भी मिल गई। देयर वी गो गाइस, बो का इंतजाम हो चुका है, एक बो भी बन गया। और गाइस इस बो को अभी हम कुछ नहीं करते, इस बो के साथ बस हम खाली अपनी नई बोर्ड बनाते हैं। लेकिन उसके लिए गाइस मेरे को लॉयल्टी 3 की एन्चेंटेड बुक चाहिए जो कि मैं नेदर के अंदर ड्रॉप करके आ गया। भाई मेरे को वापस जाना पड़ेगा उधर उस बुक को लाने के लिए एंड आई होप इट इज देयर। तो जो जो मेरे को आइटम नहीं चाहिए भाई इनको जला दो। और गाइस मेरे को लॉयल्टी 3 नेदर में से मिल चुकी है। चलो फाइनली अभी गाइस मेरे पास वुड आ चुकी है। देयर वी गो, इधर रखते हैं अपनी लॉयल्टी 3, इधर रखते हैं अपना बो, इधर रखते हैं अपनी मिडल में एंडर पर्ल। और गाइस यहां पे मेरे को रखनी है 2 वूल और मेरे को मिलेगी माउंटेड फ्लाइंग शिप। और गाइस ये फ्लाइंग शिप ये है प्रॉपर पायरेट वाली शिप। अगर मैंने इसको स्पॉन कर दिया और गाइस जहां पर भाई मैं देखूंगा वहीं पर ही एरो शूट होंगे एंड आई कैन आल्सो फ्लाई एनीवेयर आई वांट टू। ये देखो गाइस, अरे आगे देखो भाई क्रॉसबो लगा हुआ है। ये देखा भाई एरो कैसे निकल के जा रहे हैं। सब रखो मैं इधर पीछे जाऊं, तेरी तैसी की तैसी विलेजर मुर्गे के साथ खेल रहा भाई। 2 एरो के अंदर मार दिया यार मैंने उसको। गाइस ये बहुत ही खतरनाक बोट है यार। एनीवेज गाइस इस बोट के ऊपर देखो यार इलाइट्रा लगाया हुआ है मैंने और यहां पे ऑब्वियसली आगे क्रॉसबो लगा हुआ है। लेकिन गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और बड़ी ही जबरदस्त बोट है जो कि मेरे को एंड के अंदर क्राफ्ट करनी है और उसके लिए अगेन गाइस मेरे को बो चाहिए होगा और वो बो अभी बना लेते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द एंड। भाई ये जो एंड के चेस्ट होते हैं ना भाई वो गजब होते हैं। आई गॉट द एंडर पर्ल राइट नाउ एंड आई कैन एक्चुअली क्राफ्ट इट। लेकिन गाइस मेरे को एक चीज चाहिए इसके लिए एंड क्रिस्टल्स को तोड़ने के बाद। और गाइस मैं एंड क्रिस्टल्स को पता है कैसे तोड़ सकता हूं। देयर वी गो गाइस, मेरे एरो भाई शूट हो रहे हैं, इनको ऑब्वियसली मैं यूज करके इन एंड क्रिस्टल्स को तोड़ूंगा। ये देखो गाइस एक गया और यहां पे गाइस जैसे जैसे पता है मैं एंड क्रिस्टल को तोड़ूंगा वैसे वैसे पता है मेरे को एक शार्ड मिलेगा। ये तो भाई मेरे को देखना पड़ेगा। देयर वी गो गाइस, गॉट इट। अरे भाई अबे यार कहां गया, ये कहां गया भाई, ड्रैगन कहां गया यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे मामू जब तक वो आता है पता है क्या करते हैं यहां पे गाइस, दूसरी वो भी क्राफ्ट कर लेते हैं। और गाइस ये बोट मामूली बोट नहीं है, मैं सही बता रहा हूं गाइस, इसमें से निकलते हैं खतरनाक वाले फायरवर्क्स। और यहां पे रखना है ये मिडल के अंदर, इधर रखनी है भाई ये एंड आई गॉट द 2 वूल्स, आई गॉट द रॉकेट शिप। और गाइस इस रॉकेट शिप को अभी यूज नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले भाई इन सबके सब क्रिस्टल्स को तोड़ दूं। भाई सबके सब क्रिस्टल्स अब जा चुके हैं। अभी गाइस समय आ चुका है हमारी दूसरी बोट का, बिल्कुल ऐसे। तो गाइस ये है द रॉकेट बोट और इसमें से पता क्या निकलता भाई, फायरवर्क्स निकलते हैं। और गाइस ये मामूली फायरवर्क्स नहीं है भाई, अगर मैं ड्रैगन के ऊपर देखूंगा तो गाइस एक्चुअली मैं उसके ऊपर जाके फायरवर्क्स फटेंगे। और देखो गाइस ड्रैगन को भी डैमेज होगा भाई, देख रहे हो लाल लाल डैमेज, उसकी पावर एक्चुअली में गाइस डाउन हो रही है। ये देखो भाई फायरवर्क्स नहीं है मामा, उनके ऊपर ऐसे धमाका हो रहा है धमाका। देखो गाइस आधी पावर तो भाई इसकी ऐसे ही चली जानी है। अरे गया 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 आगे 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 नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे, इसको पलनी है 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 गाइस, आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट डेड। अरे ही इज ऑलमोस्ट डेड, देयर वी गो। अरे मर जा भाई, एक अरे एक का शिकार है। देयर वी गो गाइस, आज तो भाई मैंने फायरवर्क्स के साथ मार दिया यार इसको। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, दिस वाज माइनक्राफ्ट बट देयर आर कस्टम बोर्ड्स। देख रहे हैं मामा मेरी बोर्ड को भाई, अभी भी पटाखे छूट रहे हैं, कभी रुकेंगे नहीं। एनीवेज गाइस सी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।